मैं हूं कुमार रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज भी सुने, क्योंकि तो आपकी आवाज ही हम पॉलिटिशियन सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है पार्थपति मजुमदार, और जैसे कि सर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम लोग इस एपिसोड में बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक, एक ट्रेंडिंग इंसान। वो एक फिल्म स्टार भी है, एक सुपरस्टार है, एंड नाम तो सभी जानते होंगे, आमिर खान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड सबसे पहला सवाल सर से यही है कि आमिर खान के बारे में बीबीसी ने क्या रिपोर्ट दिया है। हाँ, अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा था आमिर खान के बारे में बीबीसी के हवाले से, कि आमिर खान हैज डिसाइडेड टू टेक द डाइवोर्स, मतलब वो अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक ले रहे, ले नहीं रहे, yes. ले भी लिए, उसका फैसला भी हो गया है। 15 साल तक रहने yes. के बाद उन्होंने yes. तलाक लेने का फैसला किया। यही न्यूज है जो एक बहुत बड़ी सनसनी की तरह पूरे भारत यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। दूसरी पत्नी थी, एनी हाउ वो डिवोर्स हो गया, पता नहीं अभी क्यों हुआ कैसे हुआ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यही है कि ये क्या चल रहा है, आमिर खान आखिर क्या कर रहे हैं वही सर। आमिर खान का एक जो पर्सनैलिटी है जो यूथ पर है, यंग जेनरेशन पे है ना, अभी 1988 से लेकर के और यह चल रहा है 2021, कितना साल हुआ आप सोचिए, 1988 12 साल और 33 इयर्स, ही इज राइडिंग ऑन द वेव ऑफ प्लेजर यस अलोंग विद द इंडियन यूथ। आमिर खान के सिनेमा डेफिनेटली एक्ट में आया था, उस समय आमिर खान की गाना थी पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, तो यह बेटा कौन सा बड़ा नाम कर रहा है कि बार बार शादी किए जा रहा। उसके बाद नहीं, ये सिनेमा सभी यूथ, माने इट वाज नॉट हैविंग ए पर्टिकुलर सेक्शन, दिस सॉन्ग यंग भी गाते थे जो क्लास 9-10 में पढ़ते थे, और कॉलेज में इंजीनियरिंग मेडिकल में फादर्स भी गाते थे, माँ को भी कई लोग गाते में सुना कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटे ने शादी कर ली। उसमें था ना कोई इंजीनियर बनेगा कोई डॉक्टर बनेगा, मेरी तो मंजिल नहीं, तो इसकी मंजिल क्या है, यह क्या इंस्पायर कर रहा है जो बार बार शादी हाँ करते रहो और छोड़ते रहो वाइफ को। हाँ उसके बाद वो मन सिनेमा का गाना, चाह हाँ। है तुझको चाहूंगा हर दम, मर के हाँ। भी न कम प्यार होगा, ये कैसा प्यार है जो हर 15 साल पर पल्सेटिंग हर 15 साल में सर वो चेंज होता है, फिर कम हो जाता है, फिर राइज होता है, फिर कम होता है, फिर लगान सिनेमा का, उसके बाद आप देखिए थ्री इडियट्स एक तरह हाँ। से इट वॉज ए कल्चरल फेस्टिवल, ऑल द सिटी बॉय विलेज बॉय ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली, हाँ इट स्पार्क द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वॉच दिस मूवी थ्री इडियट्स, और थ्री इडियट्स में डेफिनेटली आमिर खान का किरदार था ए इंटेलिजेंट ए फियरलेस पर्सन बट कमिटेड टू हिज लव। इतना साल के बाद भी उस सिनेमा में उस हीरोइन से शादी हो रहा है आमिर खान की। हाँ जी, तो इस सब से ये जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, इससे हाँ ये था कि यूथ इज ट्रीटिंग हिम, माने जैसा होता है हीरो को एक आइडियल के रूप में, एंड ट्राई टू भगवान, मेक देयर ब्रेन लाइक थिंग, उसमें हाँ था जी कि कमिटमेंट टू द इंडियन वैल्यूज ऑफ द लव। लेकिन यस ये बंदा कर क्या रहा, एक वाइफ था, पहली वाइफ को छोड़ दिया, अब ठीक है दूसरी से शादी किया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी की उम्र है, लोगों का पहले था कि 2-3 शादी करते थे, किसी के बच्चे नहीं हुए या पत्नी मर गई, उम्र ज्यादा है तो कोई देखभाल के लिए, लेकिन वो वाइफ इतनी अच्छी वाइफ थी, उसको छोड़ के फिर इससे शादी कर लिया, अब इसको भी छोड़ रहे, तो ये समाज में आप क्या भाई स्थापित कर रहे हैं, आप यंग जनरेशन में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब आपका दो फेस, डेफिनेटली आपका दो फेस है, यू हैव डबल फेस,
समथिंग इन मूवी एंड समथिंग इन रियल लाइफ देयर इज नो मैच इन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ हां जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस इज चीटिंग टू द सोसाइटी टू व्हिच यू पास द मैसेज बाय सिनेमा यू वांट टू पास द ब्रेव मैसेज द बोल्ड मैसेज कमिटमेंट टू द इंडियन वैल्यूज और जब एक्शन की बात आती है तो कोर वैल्यू पे बंदा कुल्हाड़ी मार रहा है गद्दारी कर रहा है मैं तो ये क्यों कर रहा है भाई आर यू कासानोवा और ए सेक्स प्रीडेटर हु इज हैविंग ए रोविंग आई सर्चिंग ऑलवेज फॉर द न्यू डोइंग डोय आफ्टर 10 ईयर और 5 ईयर 15 ईयर हां इससे क्या होगा इसका मतलब जिसके पास पैसा होगा वो किसी हाँ, के शादी तो करेगा और फिर 10 साल चेंज कर देंगे देगा नहीं हाँ, एक तरह से क्या है जो प्राचीन काल में राजाओं के पास 200 रानियां होती थी 300 रानियां हाँ, लेकिन ये हाँ, इंडिया है ये तो लीगली कर नहीं सकते इनको पता है जेल जाएंगे एक नया तरीका ढूंढ लिया इन लोगों ने इसका तो समाज में बहुत गलत जा रहा है बहुत ही गलत हो रहा है आमिर खान तो गद्दारी कर रहा है इंडियन वैल्यूज एंड सोसाइटी का एक रूल है इट कैन डाइजेस्ट द एनिमी बट नेवर ए ट्रेटर ही इज एक्टिंग लाइक ए ट्रेटर फॉर द इंडियन कल्चर डेफिनेटली सही है लेकिन मुझे डर लग रहा है जो आमिर खान के अंधभक्त है जो आमिर खान के डाई हार्ड फैन है शायद उन लोगों को ये वीडियो इतना पसंद नहीं आएगा क्यों क्योंकि हम लोग आमिर खान के थोड़े अगेंस्ट में बोल रहे हैं लेकिन आप सुनिए ये बात सच है और सच थोड़ा कड़वा होता है तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ठीक है मैं तो, भी फैन था हो सकता आप भी फैन थ्री इडियट्स हम सबने देखा एंड इट वाज इंस्पायरिंग कैरेक्टर और बाद में ऐसा हो गया था कि आमिर खान का जब सिनेमा आता था तो हम लोग ये सोच के देखते थे कि इसमें जरूर कोई चेंज होगा लेट अस गो एंड वॉच है कि नहीं yes. जैसे yes, definitely. आता था मैंने पहली बार देखा था छू मंतर तो सिनेमा में कह रहा था आदमी वही है जो वक्त से पंगा ले फिर देखा वक्त सिनेमा वो कह रहा था कि यह वक्त की ही ताकत है कब क्या करना हाँ तो हर सिनेमा में मैसेज होता था तो बाद में तो सिनेमा में मैसेजिंग बंद हो गई लेकिन आमिर खान की मूवी देख के हम लोग को लगता था कि देयर विल बी मैसेज हम लोग ब्लाइंडली जाते थे पर वी यूज टू लर्न समथिंग लेकिन ये बंदा क्या सिखा रहा इसके बच्चे बड़े हो गए शादी के लायक बच्चे और अपने शादी कर रहे डाइवोर्स क्योंकि फिर से नया शादी करने के लाइन में है हाँ जी हमें तो मैसेज कौन दे रहा बिहार के दशरथ मांझी द माउंटेन मैन उसकी वाइफ मर गई तो बंदे ने पहाड़ चीर के रोड बना दिया हनीश्वर नाथ रेणु की हाँ, हाँ डिटर्मिनेशन वैसा होना चाहिए चेतन भगत की यस हाफ गर्लफ्रेंड देयर इज अ कमिटमेंट फॉर द लव प्यार एक ईश्वरीय विभूति है इसको मजाक में लेने वाली बात नहीं है एक नहीं है डेफिनेटली और आप शादी कर लेते हैं शादी तो हाँ जी शादी एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है इसको विवाह कहा गया इंग्लिश में कहा जाता है लग माने हिंदी में लग इंग्लिश में कहते हैं इट इज ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स ये ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स देन टू पीपल मीट एंड सोलेमनाइज द मैरिज एंड टेक द ओथ टू ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस टिल दे ब्रीथ बट ब्लडी फूल आर यू फूल और मेकिंग अदर्स द फूल यू हैव द हेल्दी हार्ट एंड ए स्ट्रॉन्ग नोज But more than that, you have the roving eye searching something else. So fan must troll it, yes. kick him, abuse him. This is time to correct him. Exactly, exactly. Definitely, आपने बिल्कुल सही कहा है. I agree with you, sir. Anyhow, हम लोग चलते हैं next question पे. और next question हम लोग का है, जो intellectual के तरफ से, जो intellectual लोग हैं, जो intellectual हैं, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मैंने अभी बुद्धिजीवियों के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी लेकिन जो महिला आंदोलन के सूत्रधार है निष्पक्ष सूत्रधार है जो महिला मूवमेंट जो चल रहा है लिटरेचर में कल्चर में जैसे मैं एक नाम बता सकता हूँ क्षमा शर्मा उसके बाद नीरजा चौधरी पत्रकार हैं तरलीन सिंह हैं ये लोग जो सीनियर लेडीज लीडर्स हैं मृणाल पांडे yes. हैं yes. पॉलिटिकल वर्कर मेधा पाटेकर हैं yes.
पंजाब से तीक्ष्ण सूद है, लक्ष्मीकांत चावला है, ये लोग को इस बात पर प्रश्न उठाना चाहिए कि ये आमिर खान क्या सिस्टम ला रहा है। समाज का एग्जिस्टेंस ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है। Yes. तो एटम एग्जिस्ट ड्यू टू एलिमेंटल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए इसे एटम के अंदर होना होता है। द सोसाइटी सोसाइटी एग्जिस्ट ड्यू टू एलिमेंटल अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मैरिज सिस्टम, लेकिन यह मैरिज सिस्टम का ही सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है, जिसके बेसिस सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है। उस बच्चे के बारे में सोचे आमिर खान, दो बच्चे जो पहले से छोड़ दिया उसने, और ये बच्चा जो अभी नया है फिर तीसरा शादी करेगा, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट टाइप ऑफ सिटीजन इज प्रोड्यूसिंग। हिंदू धर्म में कहा गया है पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है कि जैसे आपके पिता ने आपको पढ़ा लिखा के अच्छा सिटीजन बनाया, यू हैव ड्यूटी टू मेक योर सन लाइक दैट, ही शुड बी अ वर्दी सन, ही शुड बी अ गुड सिटीजन। लेकिन आप जा रहे उस रास्ते, तो आपका बेटा किस रास्ते जाएगा भाई, वो तो जाएगा वैसे ही। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा है कि मनुष्य का आत्मा क्या है, तो युधिष्ठिर कह रहे मनुष्य का पुत्र उसका आत्मा, वो तो उसका फोटो स्टेट होता है। तो ये जो आमिर खान किस टाइप का सिटीजन प्रोड्यूस कर रहा है, बच्चे क्या लेसन लेंगे, घर में किसी से किसी का ही नहीं, किसी के प्रति कमिटमेंट ही नहीं, किसी के लॉयल्टी नहीं। तो ये जो महिला आंदोलन के सूत्रधार है और बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो इस बारे में काफी सिंसियर रहते हैं, साउथ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, इन लोगों को जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, इस सबको आगे आना चाहिए और इस बात की कड़ी आलोचना होना चाहिए। अगर बंदा शादी कर रहा है तो वी शुड मेक ए कमिटमेंट फॉर इट एंड लिव विद, नहीं तो इतना अच्छा लड़की के साथ आप जी नहीं पा रहे भाई, आपके अद्भुतानंद है क्या, क्या आप क्या है? कुछ नहीं है, फौर में हम लोग कहते थे गिव द टी मैन विल बी ऑल राइट, ही नीड नथिंग बट टू एंड हाफ किक, टू किक मतलब दो लात और आधा लात गाली के बराबर, लेट द फैन ही विल बी ऑल राइट। डेफिनेटली लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एनी हाउ इट इज ए कासानोवा एक्शन, इट इज ए लेटेंट कासानोवा। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, तो ये जो डिवोर्स हुआ है इसके वजह से जो यूथ है, जो यूथ पे क्या प्रभाव होंगे सर, उन पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा सर? यूथ पे तो बहुत ही निगेटिव प्रभाव होगा। ये जो आमिर खान जो सिनेमा में गाना गाता है, लोगों को इंस्पायर करता है, सिनेमा में दिखाता है कि हाँ। एक जो सिनेमा था सरफरोश, उसमें SP राठौर बना था और चेजिंग द क्रिमिनल एंटी नेशनल, अब जो मूवी में ही विल ट्राई टू इंस्पायर समथिंग, तो लोगों को यही लगेगा ये नाटक कर रहा है, लोगों पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और यूथ में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि जो बंदा वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट दिखा रहा था उस बंदे के बात का तो और दूसरा मतलब गलत बातें तो एंगेज में सीखता ही है, बाकी लोग भी यही रास्ते चलेगा ये भाई पैसा है तो आज शादी कर लो, 5 साल बाद छोड़, तो 15 साल बाद छोड़ रहा है, ज्यादा पैसा वाला तो 5 साल बाद छोड़े। हाँ एक गांव में पंचायत, हाँ डेफिनेटली, तो किसी डेफिनेटली क्योंकि एक गांव में पंचायत हो रही थी, तो किसी बंदे ने किसी दूसरे एक रिच आदमी के नौकर को मारा था, हाँ। तो पंचो ने कहा कि आपने रिच आदमी के नौकर को मारा इसलिए 200 रुपया फाइन है, तो मारने वाला भी बहुत बड़ा था आला दर्जे का, वो कह रहा कि ठीक है नौकर को मारा तो 200, तो मैनेजर को मारूंगा तो कितना, 1000, तो उस मेन रिच आदमी को ही मारूंगा 5000 दूंगा, तो जिसको ज्यादा पैसा होगा वो कहेगा 15 साल क्यों भाई, 2 साल हाँ। में डिवोर्स करो, कोई और बड़ा उत्पाती आएगा वो तो डेली हर 5 दिन पर नया शादी करेगा डिवोर्स करेगा, पंथी की शुरुआत है। डेफिनेटली डेफिनेटली, और ऐसे क्योंकि इंडिया में जो एक्ट्रेस है, जो एक्टर्स है, उन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें हम आइडियल्स मानते हैं, वो हम लोग के लिए हीरो है, सच में हीरो है। तो अगर वो ऐसा करेंगे
तो जो बच्चे उन्हें देखते हैं, जो यूथ उन्हें देखते हैं, तो वो भी ऐसा ही करने वाले हैं जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल सही कहा सर, आपने एक अपने पॉइंट टू पॉइंट मतलब समझा दिया है, गानों के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, महाभारत के थ्रू। तो काफी एक अच्छा मैसेज था, काफी एक अच्छा ये आलोचना था, एक एपिसोड था, अच्छा लगा बात करके। तो एनी लास्ट मैसेज सर जो आप देना चाहते हैं, अगर एक दो लाइन में कुछ एक मैसेज। मैं यही कहना चाहता हूं कि आमिर खान को तो थोड़ा भी शर्म है, लाज है, तो यह याद रखे कि वो भारत वर्ष में रहता है। भारत के लोगों में बहुत सारी बुराई है, बहुत सारी खामियां है, लेकिन साथ में कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है, और वह क्वालिटीज है कि अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा रखना, उसके लिए इज्जत रखना, और एक फैमिली मैन की तरह अपने बच्चों की देखभाल करना। तो अभी भी ये बेशर्मी छोड़ के, कम से कम अभी नया शादी करने वाला है, फिर से सुना तो दंगल सिनेमा के जो हीरोइन थी फातिमा या कुछ नाम है, तो कम से कम उसके साथ जीवन भर रहे। नहीं तो एक हम लोग कहानी पढ़ते थे बगुला और केकड़ा की, वो बगुला केकड़ा को उठा को ले जाता था, पानी में रखेगा लेकिन खा जाता था, अंत में केकड़ा ही उसको खा गया। बहुत लोग बगुलवे किन्ना क्षण में प्राण ककोरवे लिन्हा, तो कोई लेडीज खा जाएगी ना तो पता चलेगा, नहीं तो एक किताब वो पढ़ ले, वाल्टर रेन हार्ट का किताब है, वाल्टर रेन हार्ट हीरो है, अमृत लाल नागर की हाँ किताब, जी, वह एक जर्मन था, और अभी मेरठ में सरधना रियासत का वो राजा, छोटा मोटा माने राजा था, वो इसी टाइप ओके, करता था। बाद में उसकी अंत में एक शादी हुई थी बेगम समरू से, और उसने उसका ऐसा नाच नचा के मारा, जो पानी देने भी जो लेडी जाती थी उसको भी वो मारती। उसका बेगम समरू वाला कोई मिल जाएगा तो उससे भी बुरा हाल होगा, रेन हार्ट का तो सुधर जाए, वही हाँ बोलता जी, हूँ। हाँ जी, बात थैंक यू करता हूँ, ऑल। स्ट्रेट बोलता हूँ, आई डोंट हैव द सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स टू रेज द इंटेलेक्चुअल फेंसिंग, आई फील टू हिट देन आई विल हिट। इसलिए मैं पहले ही बोला था कि आई एम कुमार रजनीश कुमार, आई स्पीक बट आई फील टू स्पीक। थैंक यू माई फ्रेंड्स। थैंक यू।